हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा फिफ्थ चैप्टर आदिवासी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आदिवासी की जो लाइफस्टाइल थी तो उसके बारे में हमने जाना था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम गोंड एंड अहोम्स, इन ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। गोंड द पीपल लिविंग इन इंडिया वास्ट फॉरेस्ट रेंज कॉल्ड गोंडवाना आर नोन एज गोंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जो भारत का ओल्डेस्ट ट्राइब्स की हम बात करें कि जो भारत के जो फॉरेस्ट रेंज के अंदर है वो कॉल्ड गोंडवाना, वो गोंड ट्राइब्स के तौर पर जाने जाते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया करते थे। गोंड ट्राइब्स वॉज डिवाइडेड इन टू द मेनी स्मॉल क्लैंस एंड ईच क्लैंस हैड अ किंग। गोंड ट्राइब्स था वो कई सारे मैनी स्मॉल क्लैंस के अंदर वो डिवाइड था और कई सभी क्लैन हैड अ किंग। अकबरनामा रिकॉर्ड्स दैट द गोंड स्टेट ऑफ द गद कंटक कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70,000 विलेजेस। अकबरनामा के अकॉर्डिंग गद कटंगा कंसिस्ट कितने, तो के लगभग 70,000 विलेजेस कंसिस्ट करता था। एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट पीपल ऑफ द गोंड्स। देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेंट्रलाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी, तो कि सेंट्रलाइज थी। द किंगडम वे डिवाइडेड इनटू द गड्स, किंगडम है वो गढ़ के अंदर है वो डिवाइड थे। ईच गड्स बीइंग डोमिनेटेड बाय द स्पेसिफिक गोंड क्लेन। अभी गढ़ पर डोमिनेंट कौन करता था, तो के गोंड क्लेन। ईच गढ़ वॉज डिवाइडेड इन टू द 8 यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। अभी सभी गढ़ थे वो 84 विलेजेस के अंदर है वो डिवाइड किया जाता था, नोन एज 84। ईच 84 वॉज सब डिवाइडेड इन टू द बारोट। अभी सभी 84 थी उसको सब डिवाइडेड बारोट एंड वॉज मेड अप ऑफ 12 विलेजेस इन, और सभी बारोट्स थी वो 12 विलेजेस के अंदर डिवाइड थी। गोंड सोसाइटी ऑल्सो चेंज विद द राइज ऑफ द बिग स्टेट। गोंड सोसाइटी थी ऑल्सो चेंज विद द राइज ऑफ बिग स्टेट। आंदमान्स द गोंड किंग गदकंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह इन ऑर्डर टू रीगेन रिकॉग्नाइजेशन एज अ राजपूत। एंड दलपत हिज सन मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती से शादी की, द डॉटर ऑफ द चंडेल राजपूत किंग ऑफ महोबा। नेक्स्ट, व्हेन द दलपत डाइड इन यंग एज, दलपत की मृत्यु यंग एज में हुई, दुर्गावती टूक ओवर द रूल द नेम ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन वीर नारायण। दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे के नाम पर वो राज लिया। एंड इन 1565 मुगल आर्मी है आसिफ खान ने दुर्गावती को पर अटैक किया और दुर्गावती को हरा दिया। द क्वीन एंड हर सन फॉट ब्रेवली एंड अचीव्ड मार्टिरडम इन द बैटल फील्ड। अभी वो क्वीन एंड उसका जो बेटा है उन दोनों ने ब्रेवली लड़ाई की, बट वो उस बैटल के अंदर शहीद हो गए। द स्टेट ऑफ कतकंगा मैड द प्लेंटी ऑफ मनी बाय द एलिफेंट ट्रेड। द एलिफेंट ट्रेड की मदद से वो बहुत सारा मनी अर्जित कर सकते थे। बाय कंपेयरिंग गतकंगा
The Mughal got a plenty of wealth and elephant. They controlled the most part of the state. Why? The east were given to the Veer Narayan's uncle Chandra Shah. अभी मुगलों ने plenty of wealth है, वो तो डिश अपने पास इकट्ठा किया, but the rest part है वो किसको, rest were given to the वीर नारायण के अंकल है उसको चंद्रदर्श शाह को दिया गया. द गॉन्ड किंगडम वीकेंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गतगंगा एंड कुड नॉट विथस्टैंड द ऑनसॉट ऑफ द पावरफुल मुंदेल्स एंड मराठास थे, वो पावरफुल मुंदेल्स एंड मराठा का मुकाबला नहीं कर पाए. उसके बाद देखे ओम्स. ओम पीपल केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार. ओम पीपल आज के टाइम के म्यांमार से 13 सेंचुरी से आए थे. सेटल इन द वैली एरिया इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम. कहाँ पर वो सेटल हुए है, तो के ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम. दे चेंज द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड ए न्यू स्टेट. उसने ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम थी उसमें चेंजेस किया और न्यू स्टेट है वो एस्टैब्लिश किया. द वास्ट ओम किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द 16 सेंचुरीज बाय द मर्जिंग इन द चुटियो एंड कुछ हाजो इन टू देयर ओन किंगडम एंड कंक्वेरिंग द और आसपास की टेरिटरीज है वो उसको भी जीत लिया. इन द 17 सेंचुरीज के अंदर कई सारे एम्यूनिटेशन और कैनन्स का भी मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दिया. हाउएवर दिस वेयर द मैनी अटैक्स ऑन द ओम पीपल फ्रॉम द साउथ वेस्ट. इन 1662 दे फॉट वैलियंटली अगेंस्ट द मुगल आर्मी लेड बाय द मीर जुमला बटलोस्ट. अभी इस ओम कम्युनिटीज ने मीर जुमला जो मुगल आर्मी थी तो उसके साथ उसने ब्रेवली लड़ाई की बट वो हार गए. बट द डायरेक्ट मुगल डोमिनेंस ऑन द एरिया डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. बट जो डायरेक्ट मुगल डोमिनेंस था उस एरिया पर इस ओम्स पर ज़्यादा नहीं टिक पाया. नेक्स्ट द ओम स्टेट वॉज बेस्ड ऑन द फोर्स लेबर. ओम स्टेट फोर्स लेबर पर बेस्ड था. पीपल हु वेर फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेर कॉल्ड पेक्स एंड द फिक्स नंबर ऑफ द पेक्स वेर टू बी सेंट फ्रॉम द एंड. सभी स्टेट पर सभी विलेज से फिक्स नंबर ऑफ पेक्स है उसको भेजा जाता था. ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस पीपल फ्रॉम द मोर पॉपुलेशन एरिया वेर मूव टू द लोएस्ट पॉपुलेशन एरिया विच लीड टू द डिवीजन ऑफ द ओम क्लेन्स. अभी जो सेंसस के अकॉर्डिंग है जहाँ पर है वो ज़्यादा पॉपुलेशन होता था तो जो कम पॉपुलेशन वाले एरिया में लोग है वो चले जाते थे. सो इसकी वजह से ओम क्लेन है वो डिवाइड होता गया. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिकम द सेंट्रलाइज इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ द 17 सेंचुरीज. 17 सेंचुरीज के फर्स्ट डेकेड के अंदर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज रहा था. एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ एंड रेगुलेशन इट इज द क्राइम टू फोर्स समवन टू वर्क बट एग्जिस्टिंग लॉ एंड रेगुलेशन के तहत आज के टाइम के अंदर जो फोर्स किसी को जबरदस्ती काम करवाना गुनाह है. Man of this tribes were activity in the army during the time and other times to public activities like the farming and irrigation की प्रवृत्ति वो किया करते थे. पैडी कल्टिवेशन किया करते थे. ओम से वो कई सारे क्लेन के अंदर वो डिवाइड होते गए और सभी क्लेन्स को खेल के तौर पर जाना जाता था. मेनी विलेजेस से कई सारी विलेजेस है वो कई सारे क्लेन है यानी कि जो खेल है वो क्या करते थे कंट्रोल किया करते थे. एंड कई सारे द लैंड गिवन बाय द फार्मर्स. फार्मर्स को जो लैंड दी गई है किसके द्वारा, तो के विलेज कम्युनिटी के द्वारा जो लैंड दी गई है उसको किंग भी विलेज कम्युनिटी की कंसेंट के बिना वापिस नहीं ले सकता था. इनिशियली द ओम्स वर्शिप द ट्राइबल डेटीज. शुरुआती दौर में वो ट्राइबल डेटीज की वो पूजा किया
करते थे. किंग्स डोनेटेड द लैंड फॉर द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स एंड हिंदुज्म बिकम द मेन रिलीजन है उस टाइम पे बना. एंड रेन ऑफ सिबना डिस्पाइट द एडोप्टिंग द हिंदुनिज्म द ओम्स किंग डिड नॉट एंटायरली लिव देयर ओन ट्रेडिशन एंड बिलीव्स है उसको वो एंटायरली भूला नहीं. ओम्स सोसाइटी वॉज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी थी एंड लैंड वॉज डोनेटेड टू द पोइट्स है स्कॉलर्स है कई सारे विद्वान को डोनेट की जाती थी. ड्रास्टिक डोमेस्टिक्स वैड प्रमोटेड इम्पोर्टेंट लिटरेचर वर्क है संस्कृत के द्वारा वो लोकल लैंग्वेज के अंदर है वो संस्कृत का ट्रांसलेट किया गया. हिस्टोरियंस वर्क बुरांजी वॉज रिटन इन द फर्स्ट एंड ओम लैंग्वेज एंड इन आसामीज लैंग्वेज. अभी उसके बाद चेंजिंग टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू ट्राइब्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइब्स अप टू द 16th एंड द 17th सेंचुरी. ओवर द टाइम मैनी ट्राइब्स underwent extensive changes. Both the society changed due to the interactive between the people of the caste-based society and the tribal society. अभी हम देख सकते हैं कि 16 एंड 16 सेंचुरीज के बाद में भी उसके अंदर है वो कई सारे बदलाव आए. वो दोनों सोसाइटी है वो इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ द बेस्ड ऑन द कास्ट सोसाइटी एंड द ट्राइबल सोसाइटी. सो different tribes adopted the different livelihoods. So इसकी वजह से different society है वो different livelihoods adopt किया. As the time passed by the many of the tribes become the part of the caste based system. और time जाते जाते कई सारे लोग हैं वो caste based society के अंदर आए. However the many tribes remained mostly away from the Hinduism and caste system. But कई सारे जो ऐसे भी ट्राइब्स थे वो हिंदुइज्म और कास्ट सिस्टम से दूर ही रहे. अ फ्यू ट्राइब्स एस्टैब्लिश द लार्ज पावरफुल स्टेट विद द वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सो द वास्ट एम्पायर्स क्लैशेस विद देम. कई सारे ट्राइब्स थे उसने लार्ज पावरफुल स्टेट एज वेल एज द वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडोप्ट की और उसमें भी हम कह सकते हैं कि कई सारे क्लेशेस है वो उन उसके बीच में हुए. तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. थैंक यू.